नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही पॉपुलर डिश हांडी पनीर की रेसिपी लेकर आए, लेकिन बहुत ही कम खर्चे में बना के तैयार करेंगे। वो बोलते हैं ना, कम खर्चा लेकिन ज्यादा चर्चा, उसी को ध्यान में रखते हुए घर में रखे कुछ सामान और मसालों से इस गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी को हम बना के तैयार करेंगे। दोस्तों देख के बिलीव ही नहीं होगा, इतना ये टेस्टी बनता है दोस्तों। और इस हांडी पनीर का स्वाद ना आपके जुबान पे फेविकॉल की तरह चिपक जाएगा और हमेशा आप पनीर को इसी तरीके से बना के खाना पसंद करेंगे। तो बिना देरी के फटाफट से आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी देख लेते हैं। तो दोस्तों हांडी पनीर के लिए किस किस मसाले की जरूरत है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज का प्याज लिया है, 2 टमाटर, 2 इंच अदरक का, 7 से 8 कली लहसुन का और 3 से 4 हरा मिर्च ले लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्याज को लंबा लंबा इस तरीके से काट लेंगे, रफली आपको काटना है, बारीक बारीक नहीं काटना है। टमाटर को भी मैंने काट लिया, इसके बाद मिर्च को भी और अदरक को भी काट लिया, तो ये तैयार है। और तो दोस्तों आज की रेसिपी हम इस हंडी में बनाएंगे। तो दोस्तों ये वो हंडी है, मार्केट से दही वगैरह हम लाते हैं, तो उस हंडी को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके बचा के रखा था, इसको धूप मैंने अच्छे से दिखा दिया, इसके बाद मैं इसको इस्तेमाल में आज लाऊंगी। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया, 2 चम्मच तेल डाल दिया। इसके बाद हमने जो अभी अभी प्याज लहसुन अदरक टमाटर और मिर्च को काट के रखा था, रफली चॉप करके रखा था, उसको हमें अच्छे से इसमें भून लेना है दोस्तों। जी हाँ, हमारा जो मसाले का ग्रेवी है ना, इसी से तैयार होगा दोस्तों। इसमें ना हम काजू डालेंगे, ना ड्राई फ्रूट्स, ना कुछ महंगा चीज़, सस्ते दाम में ही बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी और फ्लेवरफुल ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। होटल वाले भी इसी तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए, अच्छे से मैंने इसे 2 से 3 मिनट में लो से मीडियम फ्लेम में भून लिया है दोस्तों। अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, तो आगे हम सूखे मसाले डालेंगे। तो सूखे मसाले में हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, इसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर, इसके बाद मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच गरम मसाला, नेक्स्ट मैं इसमें दोस्तों डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद इसे अच्छे से चलाते हुए हमें 1 से 2 मिनट में कुक कर लेना है, जितना भी मसाला वगैरह है, इससे प्याज टमाटर और लहसुन अच्छे से कोट हो जाएगा और हमारे मसाले का बेस ना बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होगा दोस्तों। एक बार इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है दोस्तों। तो अच्छे से मैंने चला लिया और ये बिल्कुल ही तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी। 1 कप पानी डालने के बाद, अच्छे से चलाने के बाद, हमें इसे ढक के 2 से 3 मिनट में अच्छे से उबाल लेना है दोस्तों। हमारा जो ग्रेवी का बेस है ना, बहुत अच्छे तरीके से तैयार होता है अगर इस तरीके से आप इस रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। तो दोस्तों ऊपर से ढक देना है, 2 से 3 मिनट हो गए, तो देखिए हमारा जो प्याज लहसुन अदरक है ना, वो लगभग लगभग पक के तैयार हो गया। इसे 2 से 3 मिनट और मैं दूंगी और हमारा ग्रेवी है ना काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम करेंगे, तो इसको ढक देती हूँ, 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए चेक करते हैं, देखिए हमारा जो ग्रेवी है काफ़ी गाढ़ी हो गई और हमारा जो जितना भी सब्जी अच्छे से पक गया। अब नीचे से गैस ऑफ कर लेना और इसको पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है, इसके बाद आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। तो तब तक हम बाकी चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 पाव पनीर है, तो इसको हम इस तरीके से काटेंगे। और इस रेसिपी में जो पनीर का टुकड़ा रहेगा ना दोस्तों, थोड़े बड़े बड़े रहेंगे, तो बड़े बड़े चंक्स में काट रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसे काट के तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों पनीर को मैंने यहाँ पे बड़े बड़े टुकड़ों में काट के तैयार कर लिया, देखिए बिल्कुल ही तैयार है। अब कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए आगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे 1 नींबू ले लिया है, हरा धनिया, यहाँ पे जीरा और कुछ खड़े मसाले मेरे पास, लौंग, इलायची और दालचीनी, और यहाँ पे मेरे पास कसूरी मेथी है। साथ ही साथ लंबा स्लिट किया हुआ हरा मिर्च चाहिए, साथ ही साथ बटर चाहिए हमें। बटर से इस रेसिपी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता दोस्तों। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे मसाला जो हमने बना के पहले तैयार किया था पूरी तरीके से ठंडा हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसको मिक्सर जार में डालना है और इसका बिल्कुल ही महीन पेस्ट बना के तैयार करना है। जी हाँ, तो चलिए फटाफट से इसको मैं डाल देती हूँ और एक महीन सा पेस्ट बना के तैयार कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ही महीन मैंने पीस के तैयार किया है, बिल्कुल ही महीन पेस्ट इसका बन गया है। अब इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच मगज के बीजे, जिसे हम मेलन सीड्स भी बोलते हैं। यही हमारे ग्रेवी को बहुत ही क्रीमी और गाढ़ी गाढ़ी बना के तैयार करेगी। ये मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाता है, बड़ी सस्ते दाम में मिलता है दोस्तों। अब हमें इसे डाल के फिर से 2 से 3 बार चलाना है और बिल्कुल ही गाढ़ा इसका पेस्ट बना के तैयार करना है। तो देखिए इसका बिल्कुल ही गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट
बनके तैयार हो गया और इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है दोस्तों। एक बार इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैंने एक छलनी रखा है और जितना भी मैंने ग्रेवी डाला है ना उसको हमें छान लेना है, क्योंकि इसमें लम्ब्स वगैरह रह जाते अदरक और लहसुन के टुकड़े, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो हलवाई वाले रेस्टोरेंट वाले भी इसी तरीके से छानते हैं, उसके बाद इसकी ग्रेवी को तैयार करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालते हुए इसको थोड़ा सा पतला करते हुए मैं इसको छान लूँगी पूरी तरीके से। तो दोस्तों बचे हुए को मैंने अलग से रख दिया और देखिए बिल्कुल ही स्मूथ हमारा ग्रेवी तैयार है। तो चलिए फटाफट से अब हम रेसिपी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हंडी को गैस पर बैठा लिया है, इसको सेट कर लिया अच्छे से, हंडी को गर्म कर लिया। अब एक बड़ा चम्मच मैं यहाँ पे बटर का डाल दूंगी। इस रेसिपी में बटर का अच्छा खासा इस्तेमाल होता है, तभी ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। तो एक बड़ा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया और बटर को पूरी तरीके से पिघला लेना है। देखिए गर्मी से ये अच्छे से पिघल जाएगा। बटर पूरा मेल्ट हो गया। अब मैंने पूरे खड़े मसाले और जीरा मैंने डाल दिया। इन सभी को अच्छे से पहले चटका लेना, इसी से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निखरेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमने जो ग्रेवी बना के तैयार किया था वो हम पूरा इसमें डाल देंगे। बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हमारी तैयार हुई है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सक रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इससे हमारा रेसिपी बनेगा। तो सभी ग्रेवी को मैंने डाल दिया और अच्छे से चलाते हुए हमें इसे पका लेना है दोस्तों। तो दोस्तों कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट मैंने इसे दे दिया है। इसके बाद एक और चंक्स मैं डालूँगी इसमें बटर का और अच्छे से इसमें मिला लें। और दोस्तों देखिए हमारा जो ग्रेवी अब उबल रहा है, पकना शुरू हो गया। अब इस स्टेज में मैं इसमें स्लिट किया हुआ हरा मिर्च डाल दूंगी। इसके बाद बारी आती है कसूरी मेथी की, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है दोस्तों। इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन इसमें कोई भी मिर्च नहीं रहता है। आधा चम्मच गर्म मसाला का मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से हमें इसे चला लेना है दोस्तों। देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाएं और इसे अच्छे से पका लें। तो दोस्तों 2 से 3 मिनट मैं इसे दूंगी। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा ग्रेवी खोल रहा है। अब इस स्टेज में हमने जो पनीर काट के रखा था उसको हम यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। और पूरा पनीर मैंने डाल दिया दोस्तों। पनीर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसके ग्रेवी को थोड़ा सा पतला कर लिया। अब ऊपर से एक बटर का चंक्स डालेंगे और अच्छे से चला लेंगे। बटर अंदर ही अंदर मेल्ट होगा, इसके फ्लेवर को बहुत ही एनहांस करता है दोस्तों। इसके बाद इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक चेक कर ले दोस्तों। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नींबू का रस दोस्तों। नींबू का रस बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, तो इस स्टेप को स्किप ना करें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे। अब बारी आती है दोस्तों ढेर सारे हरा धनिया की, तो बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें डाल दूंगी और अच्छे से इसे चला लूंगी 1 मिनट तक। इसके बाद इस ग्रेवी को हमें ऐसे ही खोलाना है, इसके बाद आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। तो दोस्तों इसको मैं 1 मिनट और दे देती हूँ ताकि ये अच्छे से खोल जाए और जितना भी फ्लेवर एक दूसरे से समा जाए। अब इसे हम देंगे दम। तो दम देने के लिए मैंने यहाँ पे ऊपर से फॉयल पेपर को रैप कर लिया दोस्तों। हंडी बहुत ही गर्म है तो आपको ध्यानपूर्वक करना है। तो मुझे एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर अच्छे से हम दोनों ने मिल के इसको रैप किया। इसके बाद हम ऊपर से देखिए गुथा हुआ आटे से इसको सील कर देंगे। ऐसा करने से क्या होता है, जितना भी अंदर का जो फ्लेवर है ना वो अंदर ही स्टीम होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका फ्लेवर उभर के आता है दोस्तों। एक बार ज़रूर बनाइएगा, आप खा के बहुत ही खुश हो जाएंगे, इतना ये ज़बरदस्त रेसिपी बनता है दोस्तों। तो अच्छी तरीके से आपको इसको चिपका लेना है। तो देखिए इसको मैंने अच्छी तरीके से इस तरीके से चिपका लिया। तो दोस्तों अच्छे से चिपकाते हुए आटे को सिक्योर कर लेना ताकि थोड़ा सा भी जगह इसमें ना बचे। इसके बाद हमें 15 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देना है दम पे। तो 15 मिनट हो गए थे तो नीचे से गैस ऑफ कर दिया मैंने और आप देख सकते हैं एलुमिनियम फॉयल गुब्बारे की तरह ऊपर की ओर फूल गया है, ये क्योंकि भाप की वजह से हुआ। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। तो दोस्तों लेकिन मैंने इसको पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया क्योंकि मेरे से वेट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इतना इसकी खुशबू पूरे किचन में महक गई थी ना दोस्तों, और इतना भूख लग गया था कि हमें इसे अल्टीमेटली खोलना ही पड़ा। तो ये बहुत गर्म है लेकिन फिर भी मैं इसे ओपन करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे ही खोलेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, अंदर से इतना भाप निकलेगा ना गर्मा गर्म। तो दोस्तों आपको मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, देखिए कितना भाप निकल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी वाला हमारा हांडी पनीर बन के तैयार हो गया दोस्तों। तो देखिए बहुत ही मज़े का ये रेसिपी बनता है दोस्तों। इसको चखने के बाद ना जो पनीर है ना बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है, मुंह में घुल जाने वाला ये पनीर बनता है दोस्तों। तो चलिए इसे हम फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों गरम-गरम फुलके के साथ, चपाती के साथ, स्टीम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों।
तो दोस्तों आई होप आज की हमारी टेस्टी हांडी पनीर की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर रेसिपी पसंद आती है ना तो लाइक और शेयर करना ना भूले। दोस्तों अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस अनोखे रेसिपी को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।